तलाश नंबर वन हरियाणा के इस सफर में हम आगे बढ़े हैं और हम आए हैं एक समाज सेवी, जाने माने समाज के नेता, बीजेपी की जिम्मेदारी आजकल निभा रहे हैं, डॉक्टर परमानंद। डॉक्टर परमानंद जी, साधना न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आजकल एक प्रचार आप देख रहे होंगे, एक बात चल रही है बड़े जोर शोर से टीवी पे, मीडिया पे, अखबारों में, हरियाणा नंबर वन, नंबर वन हरियाणा। मैं उसी नंबर वन हरियाणा को ढूंढता ढूंढता आपके पास आया हूँ। आपको कहीं दिखा क्या वो नंबर वन हरियाणा? ऐसा है कि ये हुड्डा जी जो हैं अभी जनता की एक गाढ़ी कमाई को इस तरह से विज्ञापनों में फूंक रहे हैं, तो इससे हरियाणा नंबर वन थोड़ी बन जाएगा। तो हुड्डा साहब ने हरियाणा में इतनी सारी जो उपजाऊ ज़मीनें थी किसानों की, वो एक तरह से उनको सबको उन्होंने हैंडओवर करके और बिल्डरों को दे दी, तो किसानों को तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया लाचार। तो ये इसी को नंबर वन कहेंगे? और हरियाणा में बिजली दूसरे प्रांतों से ली जा रही है, जबकि वो गुजरात से तुलना करने की बात करते हैं तो गुजरात में तो बिजली इतनी सरप्लस है कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, कारखानों को, सब जगह, और बल्कि वो दूसरे प्रांतों को भी बिजली देते हैं। आपका कहने का मतलब है जो ये सारे प्रचार है ये जमीन पर नहीं है, सिर्फ कागजों में और ये दिखावा मात्र है? हाँ जी, ये सच्ची बात है। और आने वाला जो चुनाव है इसमें जनता जो ये सारा जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, और हुड्डा साहब को पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। पिछले 10 साल के काम को जो हुड्डा साहब ने किया है उस काम को किस तरह देखते हैं आप? ये 10 साल हरियाणा के लिए वरदान था, क्या था, कैसे समझाएंगे आप? आपका अपना व्यक्तिगत राय क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि उनकी अपनी पार्टी के ही लोग उनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे जब कोई जहाज डूबने वाला होता ना तो चूहे जो ना वो छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं पहले ही, तो इसी प्रकार उनकी पार्टी के लोग भाग रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपने कहा सरकार को डूबता जहाज समझकर चूहे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, और सारे चूहे बीजेपी में आ रहे हैं, तो वो चूहों को मिलाकर बीजेपी कैसा हरियाणा दे पाएगी? क्या बीजेपी के राज में वो चूहों को मिलाकर नंबर वन हरियाणा बन पाएगा? नहीं, मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं तो वो उनमें से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, काफ़ी उसमें श्रम करने वाले लोग भी हैं, ईमानदार भी लोग हैं। तो वो जो लोग आ रहे हैं तो पार्टी सबको देख करके और उसके बाद ही ये चुनाव में मौका देगी। अब ये नंबर वन हरियाणा है या नहीं है आपकी नज़रों में? अभी तो ये नहीं है, लेकिन सही मायने में इसको नंबर वन भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी जब हमारी सरकार आएगी। तो इंतजार करना होगा डॉक्टर परमानंद जी के अनुसार कि जब तक बीजेपी का कमल नहीं खिलता यहाँ तब तक हरियाणा नंबर वन नहीं होगी। लेकिन सरकार तो अभी से ही करोड़ों रुपए फूंक रही है, प्रचार कर रही है और बड़े जोर शोर से कह रही है कि तीसरी बार हुड्डा सरकार। ऐसे में जनता है, जनता सब जानती है, जनता तय करेगी, जनता दरबार में ही सबको माथा झुकाना होगा, वहीं से आशीर्वाद लेना होगा, और राज तिलक भी आखिर जनता ही करेगी, और जनता बताएगी कि नंबर वन कौन है, कौन है नंबर वन नेता, किसने हरियाणा के लिए काम किया, किसने नहीं किया, किसने झूठ बोला और किसने धोखा दिया, सब जनता के दरबार में है और जनता सब जानती है। इस कड़ी में मिलेंगे कुछ और लोगों से, घरों में झांकेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, चौपाल में जाएंगे और तलाश करेंगे नंबर वन हरियाणा की।